द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश नेतृत्व में द्वारा 1 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाले संपर्क में अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने ब्यारा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक शरणार्थी जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक तौर पर पीड़ित व अपहरित होकर उनके नागरिकता देने के कानून के शोध में है। शुद्ध सार्वजनिक मंशा यही है कि इनमें से कहीं भी किसी के भी नागरिकता छीनने के बंटवारे एवं विभाजन के प्रभाव में कोई भी नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में 20 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरण करवाएंगे। भोपाल से ब्यूरो चीफ मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। गुणवत्ता है वो बहुत ही आले दर्जे का है और कहीं कोई कमी नहीं पाएंगे। थोड़ी बहुत जो कमी है, कहीं केबल कम है, कहीं केबल डालना है हम लोग को, तो उससे कोई इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में कोई अंतर नहीं है अभी तक। कोई नहीं, समय क्या, कब तक बन के तैयार? नहीं, बन के तैयार है, उसी का सर्टिफिकेशन करने हम आए। हम सर्टिफिकेट दे देंगे तो आज शाम से गाड़ी चल पड़ेगी। कार्य पूरा हो चुका है, कार्य पूरा, कमी नहीं पाएंगे? नहीं, कमी होती है, थोड़ा बहुत कमी होती है भाई कि तुम्हारे शर्ट की कलर ब्लू क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है। वो थोड़े बहुत काम जो बचे हुए हैं ना, वो केवल करने हैं, बट उससे गाड़ियों के परिचालन में कोई अंतर नहीं आएगा। सर, स्टेशन में काफी कमियां ऐसी हैं क्योंकि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में आप कुछ कहेंगे? देखो, मैं विद्युतीकरण का इंस्पेक्शन करने आया हूं। आप शौचालय है कि नहीं है, सेट है कि नहीं है, उसका हम समस्याओं को तो पिछली बार भी हम लोगों का हुआ ना, जैसे सेक्शन अपग्रेड होगा या पैसेंजर बढ़ेंगे तो ये सब सुविधाएं आएंगी। सर, एक पैसेंजर ट्रेन है रायबरेली कानपुर पैसेंजर, 2 साल से बंद है। डीआरएम साहब को भी लिखित शिकायत दी गई है, उसके पहले जो अधिकारी रेलवे के हैं उनको भी दिया गया। 6% सर, ट्रेन चल नहीं पा रही। देखिए, ऐसा है, मैं भी अभी पिछले 15-20 दिन पहले ही तो आया था यहाँ पे, आप लोगों ने इस सब समस्याओं से मुझे अवगत कराया था, तो अभी उसका हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। एक प्रस्ताव था जिसमें आपको प्रयाग से उन्नाव के लिए गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि कानपुर तक तो उन्नाव से मिली जाएगी, फिर आपको उस गाड़ी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक का व्यवस्था करके हम लोग कर रहे हैं। हमने आपसे 1 महीने का टाइम बोला था ना, अभी तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएंगे तो ओवरब्रिज की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि काफी देर इसलिए वेट करना पड़ता है क्योंकि ब्लॉक सेक्शन जो है 32 किलोमीटर, मैंने दो स्टेशनों के बीच की दूरी जहाँ से लाइन क्लियर किया जाता है उसे 32 किलोमीटर, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी उतनी ट्रैफिक है नहीं इसमें। देखिए, ऐसा है, विद्युतीकरण होने से, मैंने पिछली बार भी अभी आया था बताया था, इस पे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और तब इसकी जो समस्याएं हैं आप लोगों की, यात्रियों को भी सुविधा होगी और यात्री भी बढ़ेंगे, तो यात्री बढ़ेंगे तो यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। सर, हम दूसरी बात सर, इधर 5 मिनट बना हुआ है और उस साइड में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, यानी ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग है और दोनों तरफ एक तरफ इधर इमरजेंसी सेवा है और एक तरफ इधर, ऐसे में अगर विचार हो तो इस पे क्या यहाँ पे इस लेवल क्रॉसिंग पे ये ओवरब्रिज तो नहीं बनेगा, अंडरब्रिज बनेगा। ओवरब्रिज में 50% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती है, 50% रेलवे देती है। स्टेट लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस